मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आप चाहते हैं पहुंचे, आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ दें, चाहते हैं ना? कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया था। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है, और इस काम के लिए मेरी पार्टी की तीन तीन चार चार पीढ़ियां खप गई है साथियों। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? जरा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे, रखोगे ना? एमपी को बचाना है ना, गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना, पक्का? हमारा वोरा भाइयों यहां बैठा से है, हमारी बात साची है ना? शाबाश। और आप जानते हैं कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है, कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान गई है, देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है, कब मौका मिले और कब माल खाऊं। ये माताएं बहनें जल्दी समझ जाती है। और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट, लूट ही लूट स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा, आपको कर्नाटका से खबर आती है? कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना, कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना, इतने दिन बाहर रहे सुधर गए होंगे, वो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। खासकर
एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां, आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था, जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां से। कांग्रेस युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं, तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी, वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको। दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत